अब रॉक का कोडी रोज के ऊपर अटैक और वो पूरा सेगमेंट मंडे नाइट रॉक की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट बन चुका है ऑलरेडी। और इस सेगमेंट के बाद से आप कह सकते हो कि रॉक और ज्यादा तगड़े हील नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कोडी रोज को और सिंपथी वगैरह मिल रही है जो कि मिलनी चाहिए एज अ बेबी फेस। अब इस सेगमेंट के बाद से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमें पता चल गई है या फिर कुछ हिंट मिल गया है, और मैं आपको ऐसी 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि इस सेगमेंट के बाद से अब क्लियर हो चुकी है। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। चैनल पर नए या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सबसे पहले कर लेना। पहली चीज पर चलेंगे और वो है गाइस कि रॉक अब बेबी फेस तो नहीं टर्न करने वाले हैं। ये चीज नाउ क्लियर हो चुकी है भाई, जिस तरीके से रॉक ने कोडी रोज को मारा है, फोड़ा है, तोड़ा है, कूनम कून कर दिया बंदे को भाई, इस सेगमेंट के बाद से तो कहीं से भी नजर नहीं आ रहा है कि रॉक कोडी रोज की हेल्प करेंगे रेसलमेनिया 40 में। मतलब वो हेल्प वाली चीज तो खत्म हो चुकी है, क्योंकि काफी लोग बिलीव कर रहे थे कुछ टाइम से इंक्लूडिंग मी कि भाई रॉक जो है वो टर्न कर सकते हैं रोमन रेंज के ऊपर, वो हेल्प कर सकते हैं कोडी रोज की। कुछ हिंट्स वगैरह भी दिए थे उन्होंने, बट एक्चुअली में अब ये सेगमेंट इतना ज्यादा ब्रूटल जा चुका है कि अब यहां से तो नजर नहीं आ रहा है कि कोडी रोज की हेल्प करेंगे रॉक और रोमन एज के ऊपर टर्न करेंगे। तो ये एक चीज है जो कि यहाँ पर इस सेगमेंट के बाद से क्लियर हो चुकी है। चलेंगे दूसरी चीज के ऊपर। जो दूसरी चीज यहाँ पर क्लियर आउट हो चुकी है वो है गाइस कि इन फ्यूचर हमें रॉक और कोडी रोज के बीच में एक सिंगल्स मैच भी देखने को मिलेगा। भाई ये इतनी तगड़ी राइवलरी हो चुकी है ना कि ज्यादा मजा इस राइवलरी को देखने में आ रहा है। मतलब वैसे तो रेसलमेनिया 40 में रोमन एज और कोडी रोज के बीच में एक वन ऑन वन मैच है, बट अगर आप ध्यान दो तो इस पूरी राइवलरी में सबसे ज्यादा मजा अगर आ रहा है तो वो कोडी रोज वर्सेस रॉक की राइवलरी देखने में आ रहा है, और ये इतनी तगड़ी हो चुकी है। और इस सेगमेंट के बाद से तो भाई अब इन दोनों के बीच में एक वन ऑन वन मैच तो मतलब बनता ही है। हालांकि टैग टीम मैच भी होने वाला है नाइट वन में, बट इन फ्यूचर रेसलमेनिया के बाद डेफिनेटली एक वन ऑन वन मैच इन दोनों का बनता है, क्योंकि इतनी तगड़ी राइवलरी जा चुकी है। चलेंगे गाइस तीसरे पॉइंट की तरफ। और जो तीसरी चीज यहाँ पर क्लियर आउट हो चुकी है वो ये हो चुकी है गाइस कि आपने सेगमेंट में देखा होगा कि जब रॉक कोडी रोज को मार रहे थे तो पीछे एक ट्रक होता है और ट्रक पर जॉन सीना और स्टोन कोल्ड की फोटो दिखती है। और ये रिपोर्ट भी आ चुकी है कि वो जो फोटो वगैरह वहां पर दिखाई गई, वो जो ट्रक दिखाया गया, एक्चुअली में कोई रैंडम सीन नहीं था। ऐसा नहीं था कि अचानक से वो सडनली हो गया, अनप्लान था, ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो प्लान किया गया था। वो एक जानबूझकर टीज की हुई WWE की तरफ से चीज थी। तो इससे ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस और कोडी रोज वाले मैच में जहां पर रॉक अपनी मनमर्जी कर रहे होंगे या फिर अपने रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह लगा रहे होंगे, वहां पर आपको जॉन सीना और स्टोन कोल्ड की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है। दैट मींस वो पॉसिबली आ सकते हैं कोडी रोज की हेल्प करने के लिए उस मैच में। तो ये एक हिंट जो है वो WWE ने दिया है। अब ये चीज कितनी सर्टेन है कितनी नहीं है नहीं कह सकते हैं, बट हाँ आप कह सकते हो कि इस सेगमेंट के बाद से ये हिंट डेफिनेटली मिला है। चलेंगे अगली चीज की तरफ। और अगली जो चीज है गाइस वो ये है कि अब इस सेगमेंट के अंदर हमने देखा कि कोडी रोज के ब्लड वगैरह भी काफी निकलता है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये जो पूरा सेगमेंट था ये ज्यादा इंटेंस और ज्यादा सीरियस नजर आया। और आप ये जो ब्लड वाला सीन है ये फ्यूचर में भी और ज्यादा देख सकते हो। मतलब हम देखते नहीं है कि WWE इतना ज्यादा ब्लड यूज कर रही है PG एरा में, बहुत ही कम अब WWE ने कर दिया, बट इस सेगमेंट से इतना थोड़ा सा यहाँ पर हिंट जो है वो WWE ने दिया है कि नेटफ्लिक्स पर जब WWE जाएगी अगले साल तो आपको ज्यादा ब्लड वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स में आपको पता है कि चीजें अलाउड भी होती है। तो वहां पर आप ये पॉसिबली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको थोड़ा मतलब जो PG वाला एरा है ना जो इस वक्त चल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर लेवल की आपको रेसलिंग देखने को मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग कि वो एटीट्यूड एरा वापस आ जाएगा, बट हाँ आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ज्यादा ब्रूटल रेसलिंग होने लगेगी, थोड़ा ये ब्लड वगैरह ज्यादा दिखाया जाएगा। तो आप कह सकते हो कि ये PG एरा में तो WWE नहीं रहने वाली है नेटफ्लिक्स की डील के बाद, जो कि अगले साल की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगी। अगली और आखिरी चीज जो नजर आ रही है इस पूरे सेगमेंट के बाद वो ये नजर आ रही है कि रॉ अभी आपको और देखने को मिलने वाले हैं WWE के अंदर। यानी कि ऐसा नहीं है कि रेसलमेनिया 40 में ही उनका काम होने वाला है, इन फ्यूचर भी आपको रॉक और देखने को मिलेंगे, पॉसिबली कोडी रोड्स के साथ राइवलरी उनकी देखने को मिलेगी। CM Punk ने कुछ बोला उनके बारे में अपने प्रोमो सेगमेंट में, उन्होंने अपनी 10 साल पहले की राइवलरी के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है। तो दैट मींस आपको इन फ्यूचर रॉक और भी फ्यूड्स वगैरह में देखने को मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से उनका कैरेक्टर जा रहा है इस वक्त, आई थिंक फैंस डिजर्व करते हैं इस वक्त रॉक को और ज्यादा देखना और ज्यादा फ्यूड्स में देखना। सिर्फ रॉक वर्सेस रोमन वाला मैच नहीं देखना है हमको, डेफिनेटली वो भी देखना है, बट उसके अलावा हमें ये वाली राइवलरीज भी देखनी है, मतलब रॉक वर्सेस कोडी रोड्स वन ऑन वन, रॉक वर्सेस CM Punk, तो ये सब भी हमें देखनी है, क्योंकि इस तरीके का काम रॉक ने करके दे दिया है। तो ये थे गाइस कुछ हिंट्स जो कि हमें सेगमेंट से नजर आए हैं। बाकी आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।